बड़ी कोशिशों से और बड़ी काविशों से
इस महफिल का इनकाद किया गया है तो मेरा दिल भी बहुत कुछ आ रहा है कि बरसों बाद अपने दोस्त से अपने यार से मुलाकात हुई है, तो दिल तो चाहता है कि कलेजा चीर कर रख दे। और ख़ुसूसी तौर पर जो हक्कानी साहब क़िबला मुद्दज़ुल्लाहुल आली की जो मन्नत है, उस मन्नत की मेरे लिए ख़ास अहमियत है, वो भी मैं पेश करूँगा। इस बात का ख्याल रखिए कि आज की ये महफिल हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के लिए सजाई गई है। हज़रत नाथ पेश कर रहा हूँ। पस्ती से होता है, पस्ती के बगैर बुलंदी को आप महसूस नहीं। जब रब्बे करीम ये फरमा रहा हो कि हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, लम्हे फिक्रिया कितने मेहर अली है, क्या बात, कितने
तेरी सड़क। अल्लाह के महबूब से है इश्क का दावा, अल्लाह के महबूब से है इश्क का दावा। अरे बंदे का भी क्या हौसला, अल्लाह गनी है किथे मेहर अली किथे तेरी सना। किसी के महबूब से आप इश्क का दावा कर दें मगर यहाँ पर वो खुश होता है। अल्लाह के महबूब से है हलके में रसूलों के वो माहे मदनी है, हलके में रसूलों के वो माहे मदनी है। क्या चांद की तनवीर सितारों में छनी है, मैं उसके गुलामों में हूँ जो सबका है आका, मैं उसके गुलामों में हूँ जो सबका है आका। हाँ साहब, अल्लाह के महबूब से है इश्क का दावा, अल्लाह के महबूब से है इश्क का दावा। बंदों का भी क्या हौसला, अल्लाह गनी है। अल्लाह के महबूब से है इश्क का दावा, बंदों का भी क्या हौसला, अल्लाह गनी है। बलगल ओलाओ बिकमालही, बलगल ओलाओ बिकमालही, बलगल ओलाओ बिकमालही, बलगल ओलाओ बिकमालही, बलगल ओलाओ बिकमालही। अशफत तुजा बिजमालही, अशफत तुजा बिजमालही, मतलब आपसे मुखातिब हूं। बलगल उला पहुंचा उस जा पे, बड़ा नाजुक नुक्ता है, पहुंचा उस जा पे जहां है के सिवा कुछ भी नहीं। कशफत दुजा बेजमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही। सल्लू अलैहि व आलिही, तो मेरे अजमेरे बने की बात ना पूछो, पूछो। मेरा वाला है या ला है।
दे उस पुल बगुल शरी उसकी खते उस पुल बगुल शरी
शोखी आहू खेरा में काहे बा शोखी आहू खेरा में अज जिसमें लड़दा लड़दा नानम अज जिसमें लड़दा लड़दा नानम बस सुल्फ पर हम पर हम निजावे ऐसे बने की बात न पूछो ऐसे बने की बात न पूछो बने की ऐसे
हाँ सर, महफिल समा हो, महफिल कवाली हो, और उसमें हजरत अमीर खुसराओ का जिक्र ना हो तो वो महफिल कवाली नहीं हो सकती, क्योंकि कवाली की बुनियाद, कवाली की पहचान, कवाली की ईजाद, ये सब कुछ उन्हीं के सर सेहरा है। पेश कर रहा हूँ, छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। राज की बात खोल ही दी, इस वक्त मुझे सिर्फ नगमा बजाने में मुझे अल्फाज महसूस हो रहे, और मुझे जो अल्फाजों का रिस्पॉन्स हाथों के इशारों से मिल रहा है उस पर एक कैफियत आ रही है। समाज फरमाइए, Thank you।
अपनी जब बनाई के अपनी छब बनाई के अरे मैं तो पी के पास गई। हजरत खुसरो फरमाते हैं अपनी छब छब बनाई के मजाज भी भटक रहे अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई अपनी छब बनाई के मैं तो पी मैं तो अपनी भूल गई छाप पिलके सब सिर्फ इसलिए कि पी को अपनी तरफ रिझा सके। मगर हुआ क्या जब छब देखी पीहू की मैं अपनी भूल गई छाप तिलक सब नैना नैना नैना
था जो कुछ के देखा जो सुना अफसाना था रे मोसे नैना नैना रे मोसे नैना नैना रे मोसे उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज उसकी आंखों को कभी उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी रे मोसे एजाज है कि मिसरा खुद बोलता है मीर उन्नी मुबाद आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है वो से नैना नैना रे वो से नैना नैना रे का चल पड़ा तो कैफियत चश्म उसकी कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा आप राजा फरमाइए सौदा फरमाते हैं कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा और उस चश्म का और कैफियत का याददाश्त का जिक्र कैसे किया उन्होंने कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है चश्म उसकी मुझे याद है सौदा
अरे सागर को मेरे हाथ से लीजो के चला आगे पीछे करने का मुझे हक है क्योंकि मैं स्टेज पे बैठा हुआ हूँ। उन्हें याद हो के न याद हो पता नहीं कहाँ होंगी अब। कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा अरे सागर को मेरे हाथ से लीजो फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं समझ चाहूंगा अगर कतरा न दरिया से जुदा होता तो क्या होता अगर इस अगर ने बड़ा परेशान किया अगर कतरा ना दरिया से जुदा होता तो वही होता जो है इसके सिवा होता तो क्या होता अगर जुदा ना होता तो क्या होता वही होता जो है अरे बड़ी नाजुक बात है कतरा अगर दरिया से जुदा ना हो तो वो कतरा नहीं रहता उसका वजूद दरिया से हटने के बाद वो वजूद में आता अगर कतरा ना दरिया से जुदा होता तो क्या होता वही होता जो है इसके सिवा होता तो क्या होता और यारों ने तो यहां तक कह दिया कि न होने पर तो दुनिया की निगाहें खा गई धोखा जो तेरे मां सिवा कोई खुदा होता तो क्या होता जो यूं होता तो क्या होता जो यूं होता तो क्या होता फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं दोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं मगर यहां पर क्या मालूम क्या है फरमाते हैं बाबा भुल्ले शाह कुन फयकून के कल दी गले कुन फयकून कल दी गले असा अगों पी
बीत लगाई हुन पया खून ते कल्दी गले हुन पया खून ते कल्दी गले असा अंको प्रीत लगाई मैं हरम नशान न कोई जदों दित्ती नीम गवाही आपके लिए पैगाम है कुन फयकून वे मियां कल्दी गले कल्दी कल्दी गले असा अगों बीत लगाई तू मैं हरम नशान न कोई जदों दित्ती नीम गवाही अजे ते सांकू ओ पए दिस दे भेले बूटे काही मेहर अली शाह रल बैठे दोवी जदो रैन मिलन दी आई बात अगम कह दी अगम ऐसी बात को कहते हैं गहरी बात जिस बात के अंदर कोई बात वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना हो वो बात फरमाते हैं वे बुलिया असमरना नहीं सब राज हकीकत खुल जाए कवाली में मेरा और मेरे खानदान का मजमून जो है वो तसव्वुफ और फकत तसव्वुफ है उसको कभी मैं मजाज के रंग में पेश करता हूं तो कभी हकीकत के आईने में इश्क दिया उल्टी अगला इश्क दिया उल्टी अगला जिथे काम न आवे दलीला अरे अगर दलीलों की बात हो राती जागी ता शेख सडानी रातों को जागता है इसलिए शेख कहलाता है राती जागी राती जागण कुत्ते तैटी उत्ते सारी रात वो भौंकदे रहंदे इसमें मारिफत है तवज्जो फरमाइए सारी रात वो भौंकदे रहंदे दिन जा रूड़ी ते सुते वो तुझसे बेहतर है तैटी उत्ते अगर तेरा जिक्र दिखावे का है तो वो कुत्ते के भौंकने से ज्यादा नहीं है सारी रात वो भौंक दे रहे दिन जा रूड़ी ते सुते तैती उत्ते मगर एक बात उनमें तुझसे बेहतर है दर मालिक दा मूल नि छड़ दे दर मालिक दा मूल नि छड़ दे भावे सौ सौ मारी छुते तैदी उते बुलिया चल यार मना ले उठ बुलिया चल यार मना ले उठ बुलिया
Come on, 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 come on